गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए हम आज समझते हैं टिश्यू के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं ऊतक। ठीक है, हम लोग इससे पिछले क्लास में कोशिका के बारे में पढ़ लिए थे। कोशिका क्या होता है, कोशिका क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, जो कि हमारे शरीर में जिसको कहते हैं क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। ठीक है, जिससे कि हमारा शरीर बना होता है, उसमें सारी क्रिया होते हैं। कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, अब समझते हैं हम लोग ऊतक के बारे में, यानी कि टिश्यू के बारे में। टिश्यू के बारे में यानी कि ऊतक के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए, एक ही तरह के कोशिकाओं को समूह के देखिए एक ही तरह के कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। एक ही तरह के कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा, तो इसको हम लोग टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, टिश्यू के ऊतक के अध्ययन को यानी इसके बारे में पढ़ने को हम लोग हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने को हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक जो होता है मेनली चार प्रकार के होते हैं। ऊतक मेनली क्या होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिसको कहते हैं, एक होता है संयोजी ऊतक होता है, दूसरा तंत्रिका ऊतक, दूसरा तीसरा पेशीय ऊतक होते हैं, चौथा उपकला ऊतक होते हैं। देखिए, संयोजी ऊतक वो होता है जो कि सबसे मिल कर रहता है, जो कि संयोजन करके रहता है। देखिए, इसमें क्या होता है, संयोजी ऊतक के तीन भाग होते हैं। संयोजी ऊतक के तीन भाग, पहला होता है रेखीय, दूसरा होता है अरेखीय, तीसरा होता है हृदय। और समझिए ये तीनों कंडीशन क्या होता है। मेन जी क्या होता है कि ये रेखीय वगैरह जो हमारे मांसपेशियों जो होते हैं वो हमारे संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये रेखीय ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो जल्दी थक जाने वाले होते हैं। ये कार्य करते हैं, ये हमारे इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। ये जो ऊतक होते हैं हमारे इच्छा अनुसार ये कार्य करते हैं, जो कि हड्डी से जुड़े रहते हैं, हमारे इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऐच्छिक ऊतक भी कह सकते हैं। इसको हम लोग ऐच्छिक ऊतक भी कहते हैं, रेखीय ऊतक कहते हैं। ठीक है, जो हमारी इच्छा अनुसार ये कार्य करता है। जैसे कि अगर हम लोग को हाथ पैर हिलाना हो तो क्या करते हैं, हम लोग अपनी इच्छा से हिला डुला सकते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा होता है और एक ही है। ठीक है, और एक ही है, ये क्या होता है, ये अनैच्छिक होती है, ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती है, ये अपने इच्छा अनुसार काम करती है। अगर सपोज दैट ये जैसे कि होमवर्क हो गया, हमारा लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, मांसे हो गया, ठीक है, ये सबको अगर बोले कि थोड़ा देर रुक जाओ तो ये नहीं रुका, क्योंकि ये हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये होता है हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। ठीक है, ये और ये जल्दी थकता नहीं है। रेखीय ऊतक जो होता है ऐच्छिक, जो इच्छा अनुसार काम करता है, ये जल्दी थक जाता है। जैसे कि हाथ को लगातार मारते रहते क्या होता है, हाथ पर जल्दी थक जाता है। लेकिन क्या होता है, ये जैसे कि छोटी हाथ होगी, बड़ी हाथ होगी, लीवर होगी, पित्ताशय होगी, ठीक है, लीवर हो गया, मांसे हो गए, ये सब क्या होता है, ये सब जल्दी थकता नहीं है। ठीक है, ये सब जल्दी नहीं थकता, यानी कि हमारी इच्छा अनुसार भी नहीं चलता और जल्दी थकता भी नहीं है। अगला आता है हृदय ऊतक। हृदय ऊतक ये वैसा ऊतक होता है जो कि कभी थक भी नहीं करता है। क्या इसके जो हमारा हृदय बना होता है, हृदय ऊतक का बना होता है, जो कि हृदय एक अलग तरह के ऊतक का, अलग तरह के मांसपेशी का बना होता है, जो कि जल्दी थकता नहीं है। अगर ये जिस दिन थक गया, जैसे कि हृदय जो हमारा बना होता है, हृदय ऊतक का बना होता है, ये जिस दिन थक गया, हृदय बंद होगा, डिलीट हो जाइएगा। क्या होता है कि ये जब थकता नहीं है, अगला जो ऊतक आता है दूसरे नंबर पे आता है तंत्रिका ऊतक, जो कि हम लोग के ब्रेन में होता है। तंत्रिका ऊतक हम लोग के ब्रेन में होता है, ब्रेन हम लोग का इसी से बना होता है। उसके बाद आता है पेशी ऊतक, जो हम लोग के जो मांसपेशी जो बने होते हैं, पेशी होता है। क्या होता है, इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, इसको हम लोग पेशी ऊतक भी कहेंगे। उसके बाद अगला आता है हमारा उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या होता है, रूपकला ऊतक वैसे ऊतक कहते हैं जिसमें कि वसा चर्बी वगैरह हम लोग का होता है, जैसे कि मांसपेशी, जैसे कि कोई आदमी का मोटा ताजी, ये क्या कहता है, ये खूबसूरती को निखार देता है। ठीक है, जैसे कि देखिए कोई आदमी हेल्दी हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, मोटा ताजा होता है, खूब गाल सब फूल उल जाता है, क्या होता है, वो खूब हेल्दी हो जाता है। ठीक है, तो हेल्दी होता है, ज़्यादा अच्छा दिखने लगता है। लेकिन वही जब मतलब उसमें जब हेल्दी खूब ना रहता है, जब वो गल जाता है, पचक जाता है, तो अजीब दिखाई देने लगता है। तो ये क्या होता है, ये उपकला ऊतक ये खूबसूरती को बढ़ाता है। ठीक है, तो ऊतक मेनली चार प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक और उपकला ऊतक। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, इसके आगे के लिए हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।